हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि स्टेट को किसी सिस्टम के लिए हम कैसे फिक्स करते हैं। आज हम लोग देखेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है और इसकी क्यों हम लोगों को नीड पड़ी। जब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देख रहे थे कि स्टेट को किसी सिस्टम की स्टेट को फिक्स करना था, तो मैंने बोला था कि दैट सिस्टम, जो भी सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, दैट सिस्टम इट शुड नॉट बी अंडरगोइंग एनी चेंज, इट शुड नॉट बी अंडरगोइंग एनी चेंज। और इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि अगर सिस्टम कॉन्टिन्यूसली सिस्टम में प्रॉपर्टीज का चेंज हो रहा होगा, तो किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू को कैलकुलेट करने हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अगर उसमें टाइम के साथ चेंज हो रहा है या फिर उसके अंदर, उस सिस्टम के अंदर प्रॉपर्टीज क्या नहीं है, कोई भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी अगर यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब टेम्परेचर की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे अगर डिफरेंट है, तो आप एक यूनिक वैल्यू, एक फिक्स्ड वैल्यू टेम्परेचर की नहीं बता पाओगे। इसी तरह से अदर प्रॉपर्टीज को भी आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो जब भी हमें प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट करना है, हम कहते हैं सिस्टम में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, सिस्टम एट अ स्टेट ऑफ बैलेंस होना चाहिए, मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, ठीक है। तो अब समझते हैं ये थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम होता क्या है, ठीक है। किसी भी, मैंने बताया यहाँ पे, अगर स्टेट को फिक्स करना है किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे मैं कह रहा हूँ कि वो क्या होना चाहिए, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। अब समझते हैं थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम है क्या। कोई भी सिस्टम अगर इन तीन तरह के इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करता है, तो हम बोल देते हैं कि वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है। मेनली ये तीन टाइप की बात करते हैं हम लोग। फर्स्ट होगा आपका थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड लास्ट थर्ड इज केमिकल इक्विलिब्रियम। मतलब अगर कोई सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है और केमिकल इक्विलिब्रियम में है, तो मैं बोल दूंगा कि वो कंप्लीट थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है ना। तो थर्मल इक्विलिब्रियम, अब वन बाय वन समझते हैं कि ये तीनों इक्विलिब्रियम का मतलब है क्या, ठीक है ना। इन तीनों इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, ठीक है। कोई भी सिस्टम कब थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, सबसे पहले ये देखते हैं। जब भी हम बात करेंगे इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर की, मतलब अगर टेम्परेचर इक्वल होगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट प्रेजेंट नहीं होगा वहाँ पे, तो मैं बोल दूंगा कि वो जो सिस्टम है वो किसमें है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। क्योंकि अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट वहाँ पे प्रेजेंट हुआ, टेम्परेचर डिफरेंस वहाँ पे प्रेजेंट हुआ, तो हीट का फ्लो हो जाएगा, और जैसे ही हीट का फ्लो होगा, एक प्रोसेस वहाँ पे आपको दिख जाएगी, प्रॉपर्टीज़ क्या कॉन्टिन्यूसली चेंज होती हुई दिख जाएंगी, ठीक है ना। इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि अगर जब भी कोई भी क्या होगा, टेम्परेचर का डिफरेंस या टेम्परेचर ग्रेडियंट प्रेजेंट होगा, तो वहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं होगा। थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है, टेम्परेचर ग्रेडियंट जीरो होना चाहिए या जो भी टेम्परेचर डिफरेंस वहाँ पे है वो जीरो होना चाहिए। अगर टेम्परेचर की का ग्रेडियंट क्या है, जीरो है, तो मैं बोल दूंगा कि वहाँ पे जो सिस्टम होगा वो किसमें, थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। अभी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के लिए हम बात करते हैं, जब तो हम बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ प्रेशर की। प्रेशर की इक्वलिटी की बात करते हैं, मतलब अगर कोई प्रेशर ग्रेडियंट प्रेजेंट नहीं है, तो मैं बोल दूंगा कि सिस्टम जो आपका है वो सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम की। केमिकल इक्विलिब्रियम रिलेटेड होता है केमिकल रिएक्शन से एंड मास ट्रांसफर से। मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी भी तरह का कोई केमिकल पोटेंशियल प्रेजेंट नहीं है, तो आपका जो सिस्टम होगा वो किसमें होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम में होगा। और अगर कोई सिस्टम ये तीनों इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम बोल देते हैं कि वो सिस्टम आपका किसमें होगा, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा। और अगर कोई सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है, तो अभी उस सिस्टम के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस सिस्टम के लिए उसकी स्टेट को, उस टाइम पे उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं और स्टेट को बता सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसके बाद थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मैंने आप लोगों को जब स्टेट पढ़ा रहा था तो बताया था, मैंने बोला था आपको कि जब भी हम किसी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करते हैं, तो हमें एन नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब अगर मुझे हर बार किसी सिस्टम की स्टेट बताने के लिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज़
कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, तो ये तो बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एक ऐसी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, कुछ एक ऐसी इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जिनकी वैल्यू एक बार कैलकुलेट कर लो तो उनकी हेल्प से बाकी सारी प्रॉपर्टीज कैलकुलेट हो जाए और सिस्टम की स्टेट डिफाइन हो जाए। तो मिनिमम कितनी प्रॉपर्टीज की रिक्वायरमेंट होगी ये हमें पता चलता है स्टेट स्टेट पोस्टुलेट से, और ये बोलता है आपको कि आपको किसी भी सिंपल सिंपल कंप्रेसिबल सिंपल कंप्रेसिबल प्योर सब्सटेंस के लिए सिंपल कंप्रेसिबल प्योर सब्सटेंस के लिए टू इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कभी भी किसी भी सिस्टम की स्टेट को फिक्स करने के लिए। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट डायग्राम पे दिखाऊँ तो ये जो दो एक्स और वाई एक्सिस पे मैं दो प्रॉपर्टीज़ लेके किसी भी स्टेट किसी भी प्योर सब्सटेंस के लिए सिंपल कंप्रेसिबल प्योर सब्सटेंस के लिए उसकी स्टेट को मैं फिक्स कर सकता हूँ, राइट। सिंपल कंप्रेसिबल प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है कि यहाँ पे आप एक्सटर्नल इफेक्ट्स को नेगलेक्ट कर रहे हो, एक्सटर्नल इफेक्ट्स लाइक ग्रेविटी इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक और इवन सरफेस टेंशन, इस तरह के जो एक्सटर्नल इफेक्ट्स हैं उनको हम नेगलेक्ट कर रहे हैं। अगर उनको हम कंसिडर करेंगे तो सिनेरियो कुछ अलग होगा, ठीक है ना। तो उनको हम यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमें पता चल गया कि जब भी हमें स्टेट को डिफाइन करना है तो कुछ मिनिमम इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी, उनकी हेल्प से आप बाकी की सारी प्रॉपर्टीज़ को निकाल सकते हो और स्टेट को फिक्स कर सकते हो, ठीक है। एक तो ये हो गया। सेकेंड, जब भी आपको स्टेट फिक्स करना है उस टाइम पर आपका सिस्टम स्टेट ऑफ बैलेंस मतलब इक्विलिब्रियम कंप्लीट थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, ठीक है ना। तो लास्ट लेक्चर में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रोसेस, तो मैंने बोला था कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो प्रोसेस होती है आपकी जो प्रोसेस होती है इसमें हम पहले डिस्कस करेंगे क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस, क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस क्या होती है, ठीक है ना। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस। क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस के समझने के लिए मैं एक एग्जांपल से आपको इसको समझाता हूँ। अगर एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना, और इस पर मैं बहुत सारे वेट्स रख देता हूँ, ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे वेट्स मैंने इसके ऊपर रख दिए, इसके अंदर कोई गैस है, लेट से कोई गैस है, ठीक है, और अभी ये इनिशियली मैं कह रहा हूँ कि ये क्या है, इसका कुछ प्रेशर है और इसका कुछ वॉल्यूम है, यहाँ पे अगर मैं पी वी डायग्राम पे देखूँ तो मुझे इसका इनिशियल प्रेशर पता है पी वन, और इनिशियल वॉल्यूम पता है V1, तो इसकी इनिशियल स्टेट मुझे पता है, ठीक है ना। अगर मैं इस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट से लेट से यहाँ पे दो स्टॉपर्स लगे हुए हैं, अगर मैं इस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट से ये जो वेट्स रखे हैं इसके ऊपर इनको एक साथ हटा दूँ, तो क्या होगा, ये जो पिस्टन है ये ऊपर जाके स्टॉपर्स पर जाके लगेगा और वहाँ पर जाके रुक जाएगा, और जब ये स्टॉपर्स पर जाके लगेगा और रुक जाएगा उसके कुछ टाइम बाद अगर आप देखोगे तो आपको फिर से एक प्रेशर और स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू मिलेगी। लेट से उस टाइम पे प्रेशर कम हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ गया आपका P2 और वॉल्यूम बढ़ के V2 हो जाता है, तो आपको एक दूसरी स्टेट मिल जाएगी। ये इनिशियल स्टेट 1 बोल दिया मैंने, ये फाइनल स्टेट 2 मिल जाएगी आपको, ठीक है। बट इस प्रोसेस में आपको इंटरमीडिएट कोई भी स्टेट नहीं पता है, मतलब इंटरमीडिएट किसी भी पॉइंट पे आपको ना तो कोई भी प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं पता है, तो इस तरह की जो प्रोसेस होगी वो नॉन क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस होगी। क्या होगी? नॉन क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस होगी। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस, ठीक है। अब अगर इस प्रोसेस को मैं इस तरह से करा रहा हूं तो क्वासी का मतलब होता है ऑलमोस्ट स्लो प्रोसेस, ये बहुत वेरी स्लो प्रोसेस को हम लोग क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस बोलते हैं,
क्वासी इक्विलिब्रियम या ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम प्रोसेस, मतलब बहुत स्लो प्रोसेस रहेगी। इसमें हम क्या कर रहे हैं, अगर इसी प्रोसेस को मैं इस तरह से करवाता हूँ कि मैंने नेक्स्ट मैंने क्या किया कि इन वेट्स को मैंने क्या किया, वन बाय वन एक एक स्लाइस को हटाया, तो आप क्या देखोगे कि ये जो आपका पिस्टन था, जब आप एक स्लाइस को हटाओगे, तो ये पिस्टन थोड़ा सा ऊपर मूव कर जाएगा, मतलब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर मूव कर जाएगा, और इसका प्रेशर और वॉल्यूम मैंने कह दिया चेंज होके क्या हो गया, P3V3 हो गया। इसका प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होके क्या हो गया, P3V3 हो गया। स्लोली आपने क्या किया, वन बाय वन आप क्या करते जा रहे हो, इन स्लाइसेस को हटाते जा रहे हो। अब इसके बाद आपने एक स्लाइस को और हटाया, इसके ऊपर जो एक और स्लाइस थी अब इसको हटा दिया। अब जब इसको हटाओगे तो ये क्या होगा, थोड़ा सा इम्बैलेंस होगा और ये थोड़ा और ऊपर चला जाएगा। देखो अभी अगर इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करोगे तो ये बैलेंस कैसे था, ये कैसे बैलेंस था, इसके बैलेंस को समझ लेते हैं। मैकेनिकली ये बैलेंस था कैसे, अगर इस पिस्टन के लिए मैं यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ तो आप देखोगे इसके ऊपर, इस पिस्टन के ऊपर क्या लग रहा है, एक तो ये जो वेट्स रखे हैं, ठीक है ना, एक तो ये वेट्स लगे हैं, इसकी वजह से एक फोर्स एक्ट करेगा, प्लस इसका खुद का अगर कुछ वेट होगा mg तो वो लग रहा होगा, प्लस इस पर एक प्रेशर फोर्स एक्ट करेगा जो यहाँ पे इस गैस का प्रेशर होगा P, ठीक है ना, इनटू एरिया। तो यहाँ पे जब हम इस पिस्टन के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो टोटल तीन फोर्सेस दिख रहे होंगे, और जब ये तीनों फोर्सेस बैलेंस होंगे, मतलब P इंटू A इक्वल होगा वेट इंटू यहाँ पे वेट, टोटल वेट जो इसके ऊपर रखा था, प्लस इसका खुद का वेट mg, तब ये क्या होगा, तब ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर आप यहाँ से थोड़ा सा भी वेट कम कर देते हैं W को, तो क्या करेगा, ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, ये प्रेशर की वैल्यू उतनी एडजस्ट होके कम हो जाएगी, क्यों, फिर ये वाली जो वैल्यू है वो थोड़ी सी कम होनी चाहिए और उसके लिए थोड़ा सा क्या हो जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा, राइट। इस तरह से मान लो मैंने, ये तो हो गया आपका फर्स्ट स्टेप जब आपने एक वेट को हटाया, फिर सेकेंड स्टेप में मैंने एक और वेट को हटा दिया, तो अब आपको क्या मिलेगा, थोड़ा सा प्रेशर और कम हो जाएगा और वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा वॉल्यूम और बढ़ जाएगा। इस तरह से आप क्या करते जाओगे, इस तरह से अगर मैं इन सारे वेट्स को, इन इनफाइनाइट वेट्स को वन बाय वन निकालता जाऊं, तो आपको क्या मिलेगा, हर पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू मिलती जाएगी, ऑलमोस्ट हर पॉइंट पे आपको प्रेशर की वैल्यू मिलती जाएगी। मतलब यहाँ से प्रेशर नेक्स्ट पॉइंट आपको मिल जाएगा जहाँ पे प्रेशर क्या है, P3V3 है, उसके अगला पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पे P4V4 है, और उसके बाद इसी तरह से ये मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेट्स रख दिए मैंने, W को मैंने क्या कर दिया, इनफाइनाइट वेट्स में, छोटे छोटे वेट्स में मैंने तोड़ दिया था, और हर बार मैं एक वेट को हटाता जा रहा हूँ। तो इस तरह से अब ये जो प्रोसेस हो रही होगी ये बहुत स्लोली हो रही होगी, बट आपको ऑलमोस्ट हर पॉइंट पे आपको प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू पता चल जाएगी, और आपको ऐसे फील होगा कि ऑलमोस्ट हर पॉइंट पे सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम आपका क्या है, ऑलमोस्ट हर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में है। और इस तरह से जब आप इन सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को मिला दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, प्रोसेस मिल जाएगी आपकी 1-2-2। ये जो प्रोसेस होगी ये क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस होगी, जो कि ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम में होगी, ऑलमोस्ट हर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में होगी। और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ को बता सकते हो किसी इंटरमीडिएट पॉइंट पे, ठीक है ना, किसी इंटरमीडिएट पॉइंट पे, और इस प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं क्या, क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस। अगर मैं इसी सेम प्रोसेस के लिए बोलूँ कि अगर इसी प्रोसेस के लिए अब मैं क्या करता हूँ, जब मैंने सारे वेट्स हटा दिए, यहाँ से क्या होगा, इसके बाद आगे धीमे धीमे मैं वेट्स हटाता जाऊँगा, लास्ट में क्या बचेगा आपका, केवल पिस्टन रह जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से केवल पिस्टन रह जाएगा, और आपको फाइनल स्टेट कौन सी मिल जाएगी, P2 मिल जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं क्या करूँ, 1x1 उन सारे वेट्स को वापस रखना स्टार्ट करूँ, 1x1 इन उन वेट्स को मैं वापस रखना स्टार्ट करूँ, तो आपको क्या मिलेगा, फिर से वही सारी स्टेट मिल जाएंगी। मतलब ये, इसके बाद जब एक और वेट बढ़ाओगे तो आपको ये वाली कोई स्टेट मिलेगी यहाँ कहीं, फिर आप और बढ़ाते जाओगे तो फिर फाइनली फिर वापस आप उन्हीं
उन्हीं स्टेट्स पे आओगे जिनसे आप 1 से 2 पहुंचे थे, उन्हीं से 2 to 1 पहुंचोगे। मतलब ये जो प्रोसेस होगी आपकी वो क्या हो जाएगी, रिवर्सिबल हो जाएगी। तो हम लोग क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस भी बोलते हैं। इसको हम लोग बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे, अभी के लिए क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस को हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस भी बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस भी बोलते हैं क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस को। देखो तो यहाँ पे अगर कोई ये कहता है कि अगर पिस्टन सिलेंडर के बीच में कोई फ्रिक्शन हुआ तो क्या रिवर्सिबल होगा कि नहीं होगा, तो देखो यहाँ पे ये प्रोसेस जो है बहुत स्लोली हो रही होती है, तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन का इफेक्ट है वो नेगलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है ना, नेगलेक्ट किया जा सकता है, और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फिर रिवर्सिबल ही बोल देते हैं, ठीक है। या तो और अच्छी लैंग्वेज में अगर बोलना होगा तो हम बोल देंगे कि वहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस विदाउट फ्रिक्शन बोल सकते हैं कि वो क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। ऑल्दो हर बुक में आप जब भी देखोगे तो क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस को वो रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेगा, और क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस को क्या बोल देगा, रिवर्सिबल प्रोसेस बोल देगा, ठीक है ना। तो क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस आपकी क्या होगी, रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस को हम प्रॉपर्टी डायग्राम पे क्या कर रहे हैं, शो कर पा रहे हैं। नॉन क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस को हम इस पे प्रॉपर्टी डायग्राम पे शो नहीं कर पाएंगे, अगर वहाँ पे, और क्यों नहीं कर पाएंगे वो हमें पता चल रहा है यहाँ से। जब भी प्रोसेस क्वासी इक्विलिब्रियम में है, दैट मीन्स जब भी प्रोसेस क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, तो हो क्या रहा है, ये प्रोसेस स्लोली हो रही है। तो जैसे जैसे इनिशियली ये P1 V1 पे थी, ठीक है, अब जब आपने एक वेट हटाया तो ये क्या हुआ, एक नई इक्विलिब्रियम पोजीशन में चली गई। मतलब अब फिर से आप इसकी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे निकाल सकते हैं, और उसको क्या कर सकते हैं, डायग्राम पे शो कर सकते हैं, आपको उसकी स्टेट का पता चल जाएगा, ठीक है ना। और इस तरह से ये प्रोसेस आपको कैसे दिख रही है, हर पॉइंट पे कैसे दिख रही है, हर पॉइंट पे आपको ये इक्विलिब्रियम में दिख रही है, तो आप इसकी हर पॉइंट पे प्रॉपर्टीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। बट नॉन क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस के साथ क्या प्रॉब्लम है, कि जब भी नॉन क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि एक साथ सारे वेट्स को हटा देते हैं, तो ये क्या करता है, पिस्टन क्या होता है, तेज़ी से क्या करता है, ऊपर की तरफ जाता है। अब अगर किसी इंटरमीडिएट पॉइंट पे आप देखोगे तो ये प्रोसेस इतनी फास्ट हो रही होती है कि इसके अंदर जो गैस के अंदर जो प्रेशर में चेंज होगा, वो प्रेशर में चेंज क्या होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा। और फिर उसके लिए अगर मैं आपसे एक यूनिक वैल्यू की बात करूंगा, एक फिक्स्ड वैल्यू की बात करूंगा प्रॉपर्टी की, तो वो आप नहीं बता पाओगे। तो इस वजह से आप क्या नहीं कर सकते, उसको नॉन क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस को प्रॉपर्टी डायग्राम पे हम नहीं दिखा पाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका क्वासी इक्विलिब्रियम एंड नॉन क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस, ठीक है। अभी अगर हम लोग यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम की बात कर चुके हैं, तो अभी एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, ज़ीरोथ लॉ। ज़ीरोथ लॉ क्या होता है, ज़ीरोथ लॉ और देख लेते हैं यहाँ पे। थर्मोडाइनमिक्स में हम लोग 4 लॉस पढ़ते हैं जनरली, ज़ीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो यहाँ पे देखते हैं ज़ीरोथ लॉ का क्या मतलब होता है। ज़ीरोथ लॉ कहता है कि अगर कोई बॉडी ए सेपरेटली बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर्स, और ये क्या है, एक बॉडी ए है जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है बॉडी बी के साथ, और बॉडी बी के साथ, दोनों के साथ, बॉडी बी एंड बॉडी सी के साथ सेपरेटली क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब इनके जो टेम्परेचर्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बी और सी, ये जो बी और सी, ये दोनों बॉडी होंगी, ये आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी, ठीक है। तो ज़ीरोथ लॉ क्या कहता है, ज़ीरोथ लॉ कहता है कि अगर कोई बॉडी ए, कोई दो बॉडीज बी एंड सी के साथ सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये जो बॉडीज होंगी बी एंड सी, ये दोनों भी क्या होंगी, आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा आपका ज़ीरोथ लॉ।